भारतीय जनता रायपुर जहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जनता को संबोधित कर रहे हैं। वही एकमात्र नौजवान है जिसके रास्ते पे हिंदुस्तान चल के आजाद हो सकता है। नौजवानों को जुड़ने, नेहरू जी से जुड़ने की बात, सुभाष जी से जुड़ने की बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने नेहरू जी से जुड़ने की बात कही। जहां तक के देश के आजादी के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार और साथ ही साथ पूरे देश का विश्वास नेहरू जी पर था, उसके बाद भी जो मंत्रिमंडल बनाया उसे हम आप कोलिशन गवर्नमेंट बोल सकते हैं। उन्होंने जहां एक तरफ मुखर्जी को भी अपने मंत्रिमंडल में रखा, जिसके पूजा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग करते हैं, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अपने मंत्रिमंडल में रखा जो कांग्रेस के नहीं थे। असहमति का सम्मान देने का काम नेहरू जी ने किया। भारत के में अनेक विचारधारा के लोग रहते हैं, अनेक जाति भाषा भाषी के लोग रहते हैं, लेकिन सबको एक साथ लेके चलने की कुवत, किसी ताकत थी तो नेहरू जी की थी। आज जो लोग नेहरू जी का कद कम करना चाहते हैं वो दरअसल लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। नेहरू जी के कद इसलिए कम करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो लकीर खींची थी वो उस लकीर तक पहुंचना बहुत दूर की बात है, तो उसे कद कम करने की कोशिश ये लोग करते हैं। जो प्रधानमंत्री देश में कौन सा ऐतिहासिक नगरी था ये भी पता नहीं, जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसे बिहार में जाकर कहते हैं कि वो बिहार में स्थित है, उनका इतिहास का इतना ज्ञान, अब वो नेहरू जी के कद कम करने में चले हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेहरू जी के बारे में जिस प्रकार से चौबे जी ने जो बात कही, ये भिलाई स्टील प्लांट 1955 में उन्होंने बनाया, तब उन्होंने कहा यह आधुनिक तीर्थ है, वो दूरदृष्टि उनकी रही है। ये भिलाई जिसमें हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले के व्यक्ति यहाँ निवास करता है, एक मिनी भारत के रूप में हम जानते हैं, और ये देन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए, चाहे भाखड़ा नंगल बांध के बात हो चाहे हीराकुंड बांध के बात, उन्होंने निर्माण कराया ताकि कृषि के क्षेत्र में हम काम कर सके। अन्नदाताओं को सम्मान देने का काम, उनके हाथ मजबूत करने का काम, और अन्न की कमी जो देश में है उसे पूरा करने के लिए उन्होंने काम किया है। आज जिस बात के ओर आदरणीय चौबे जी ने जो आपको हल्का सा इशारा किया है, कहां अन्नदाताओं को बढ़ावा देने के लिए नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने जो काम किया प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक के दरवाजे खोले ताकि आम जनता तक बैंक की पहुंच हो सके, देश निर्माण में उनका योगदान हो सके, लेकिन आज बिल्कुल उलट हो रहा है, बैंक बंद किए जा रहे हैं, और बैंक बंद ही नहीं करने कर किए हैं बल्कि बैंक के जो जमा पैसा है उसको भी निकाल नहीं पा रहे हैं। जो अपना भविष्य सुरक्षित समझते थे बैंक में रखकर, आज मुंबई में हार्ट अटैक में लोगों की मौतें हो रही है, और अब तो स्थिति ये है कि आपका पैसा है आप 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। ये स्थिति ये लोग बना के रखे हैं। आज छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने भारत सरकार को पत्र भी लिखा, प्रधानमंत्री को और खाद्य मंत्री से मुलाकात की, उनका जो पत्र का जो जवाब आया है उसमें यही है
कि आप 2500 रुपये में यदि धान खरीदेंगे तो इसमें बाजार की स्थिति गड़बड़ा जाएगी, संतुलन बिगड़ेगा। अब आप सब बैठे हैं छत्तीसगढ़ के एक एक से पूछ लीजिएगा, ऋण माफी अब 2500 रुपये क्विंटल के बाद 4000 प्रति मानक बोरा के तेंदू पत्ता खरीदने के बाद 35 किलो चावल हर परिवार को देने के बाद 400 यूनिट बिजली बिल आधा करने के बाद प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी की क्रय शक्ति बढ़ी है और बाजार में मंदी नहीं है। भारत सरकार अपने अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के अनुसरण कर ले।